एक राज्य था। उस राज्य पर जनता के दुख दर्द के बारे में सोचने वाला एक राजा राज कर रहा था। ये राजा दिल से बहुत अच्छा और नेक तथा दिलदार था। उसके दरबार में अनेक बुद्धिमान लोग अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते रहते थे, परंतु इन सब लोगों में से सबसे बुद्धिमान और होशियार वो राजा का प्रधान ही था। लेकिन उसकी उम्र हो जाने के कारण वो अब थक चुका था। एक दिन वो राजा को कहने लगा, महाराज, हमारे राज्य में अनेक अच्छे लोग हैं और अब मेरी उम्र भी हो चुकी है। मेरी शेष उम्र नाती पोतियों के साथ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए हमारे राज्य के किसी अच्छे इंसान को प्रधान पद पर नियुक्त करके मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दीजिए। आपने कहा वो सही है प्रधान जी। आपकी बुद्धिमत्ता का तथा अच्छाइयों का हमारे राज्य को हमेशा ही लाभ हुआ है। अब आपके वृद्ध काल के समय आपकी जिम्मेदारियों से आपको मुक्त करना ही सही होगा राजन। परंतु प्रधान जी, हमारे राज्य का नया प्रधान आप ही की तरह बुद्धिमान होना चाहिए, और ऐसे बुद्धिमान प्रधान की नियुक्ति आपके अलावा और कौन कर सकता है राजन। मैं जल्द ही आपको प्रधान पद के लिए योग्य इंसान की नियुक्ति कर दूंगा और फिर निवृत्त हो जाऊंगा। प्रधान पद के लिए योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए प्रधान जी ने राज्य में डंका पिटवाया। सुनिए सुनिए, हमारे राज्य में प्रधान पद के लिए एक सही व्यक्ति की नियुक्ति करने का तय हो चुका है। जिस व्यक्ति को वो इस पद के लिए योग्य है ऐसा लगता है, ऐसे व्यक्तियों ने दरबार में उपस्थित हो जाना है। क्यों प्रधान जी? जी, इन चारों में से सही आदमी चुनेंगे कैसे? महाराज, इसके लिए इन चारों को मुझे परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएगा वही इस राज्य का प्रधान होगा। प्रधान क्या, वो तो मैं ही हो जाऊंगा। पिछले 20 बरस से शास्त्र, पौराणिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, वेद निषद, वेद ग्रंथ निगल चुका हूं मैं, निगल। मुफ्त में नहीं आया हूं मैं यहाँ। ऐसा क्या, फिर हम भी कोई जन्म लेकर सीधे यहाँ नहीं आए हैं? वही तो, फिर हम भी सब कुछ जानते हैं। वही तो। ठीक है ठीक है, सच क्या है पता चल ही जाएगा। ऐसा क्या। उसके बाद प्रधान जी ने चारों व्यक्तियों में से सही कौन बुद्धिमान है ये तय करने के लिए एक युक्ति की। उन्होंने इन चारों को अलग अलग कमरों में बिठाने का निर्णय लिया। देखिए, अब आप लोग जिस कमरे में बैठने वाले हैं उस कमरे के दो दो दरवाजे हैं। हाँ। उसमें से एक दरवाजे को मैं अंदर से ताला लगाकर बंद करने वाला हूँ। हाँ। और फिर दूसरे दरवाजे से बाहर जाकर ताला लगाकर बंद करने वाला हूँ। परंतु हमारी परीक्षा कब लोगे? परीक्षा बताता हूँ, उस कमरे से चाबी का इस्तेमाल किए बिना जो कोई पहले बाहर आ जाएगा वही होगा इस राज्य का प्रधान। फिर वो चारों अपने अपने कमरों में चले गए और प्रधान जी ने उन चारों कमरों में बाहर से ताला लगा दिया।
चाबी के बिना दरवाजा खोलना थोड़ा मुश्किल ही है, नहीं क्या? पर इस ग्रंथ में यकीनन कुछ तो लिखा होगा, देखो तो जरा, कुछ मिलता है क्या? हाँ, इसमें कुछ होगा। आ? आ? है, इसमें भी कुछ नहीं है। छी 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 छी, ये ग्रंथ भी ना कभी आधे अधूरे ही होते हैं। है, इसमें हमारा क्या दोष? कहता हूँ ना महाराज को, दरवाजा खोल नहीं सका, इसलिए मैं बुद्धिमान ही नहीं हूँ, ऐसे थोड़ी ही है। पहले महोदय को ग्रंथ में अपने दरवाजे का ताला कैसे खोला जाए, इसका उत्तर कहीं नहीं मिल रहा था। यह दूसरे महोदय लीन होकर मन लगाकर ग्रंथ पढ़ रहे थे। चाबी, चाबी, अरे कहीं तो पढ़ा था जरूर, पर कहाँ? चाबी, चाबी, हाँ मिल गई चाबी, मिल गई। क्या लिखा है इसमें? हाँ, ज्ञान ही यश प्राप्ति की गुरु चाबी है। अरे नहीं, ये तो गुरु चाबी है, मुझे तो सिर्फ चाबी चाहिए, एक ही चाबी कहाँ होगी? ए भगवान, कहाँ होगी? कहाँ होगी चाबी? यहाँ भी नहीं। चाबी कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ दूसरे महोदय को चाबी मिलने तक तीसरे महोदय क्या कर रहे हैं? चलो ये देखते हैं। अपना तो एकदम अलग है, मैंने इस स्पर्धा में उत्तीर्ण होने के लिए थोड़ी ना हिस्सा लिया है। हाँ, बस थोड़ा अनुभव मिल जाए तो चल जाएगा। कहाँ उस राजा की जिंदगी भर सेवा करते रहो। जीते बाकी लोग, अपने को यश प्राप्ति कितनी जल्दी है ही नहीं, क्यों? सच है ना? अजी, किसी का क्या और किसी का क्या। हाँ, ऐसा होते हुए भी यहाँ जो चौथा व्यक्ति था वो बहुत ही बुद्धिमान था। जिस कारण प्रधान जी ने हमें चाबी के बिना ताला खोलने के लिए कहा है, उसी कारण इस ताले में ही कोई राज छिपा होगा। देखे तो यह ताला खुल जाता है क्या? चौथे व्यक्ति ने किसी भी किताब का सहारा लिए बिना ही सीधा ताले के पास चला गया और ताले को ठीक से परखने लगा और उसके समझ में आ गया कि ताला बंद ही नहीं था। फिर क्या था, उसने झट से ऊपर वाली कुंडी खोली और दरवाजे से बाहर आ गया और सीधा प्रधान जी के सामने चला गया। प्रधान जी उसे राजा के पास ले गए और कहने लगे, महाराज, यही है हमारा नया प्रधान, यही योग्य व्यक्ति है। परंतु आपने ये तय कैसे किया? फिर प्रधान जी ने सारी हकीकत राजा को बयान कर दी और कहा, महाराज, ये आदमी बुद्धिमान है, चिकित्सक है, इसके पास सोचने समझने की क्षमता भी है, इसी कारण ये व्यक्ति योग्य व्यक्ति है। वाह, हमारे राज्य को तुम्हारे जैसे ही युवक की जरूरत थी। इस राज्य के प्रधान के पद की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। प्रधान जी, योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए आपका भी आभार। अब आप आपके नाती पोतियों के साथ आनंद से रह सकते हैं।
सारांश, किताबी ज्ञान से व्यवहार ज्ञान ज्यादा महत्व का है।